बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू शोनाज किचन। व्यूवर्स, आज एक और रेस्टोरेंट स्टाइल रेसिपी मैं आपसे शेयर करूंगी। मैं बनाने जा रही हूँ हैदराबादी दम बिरयानी। मैं यहाँ पे चिकन की बना रही हूँ, अगर आप चाहो तो आप मटन की भी बना सकते हो। सो ये सब इन्ग्रीडियंट्स आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने रखा है। बासमती चावल मैंने पानी में सोख करके रखे हुए हैं, और यहाँ पर मैंने लिया है ग्रीन चिलीज़, कोरिएंडर, पुदीना, थोड़ी सी केसर मैंने गर्म पानी में भिगो के रख दी है, लेमन लिया हुआ है, कर्ड मैंने रेडी रखा है यहाँ पे। पहले मैं आपको इंग्रेडिएंट्स इसके सब बता देती हूँ। लहसुन अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट है, पर मैं यहाँ पे अलग अलग यूज़ कर रही हूँ। यह है लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट, लहसुन अदरक का पेस्ट, आप चाहो तो सब साथ में यूज़ कर सकते हो। बिरिस्ता मैंने रेडी रखा है, ये मेरा मार्केट का है, आप चाहो तो होममेड भी यूज़ कर सकते हो। पोटैटोज़ मैं ऐड करने वाली हूँ, पोटैटोज़ को मैंने छोटे छोटे पीस करके पानी में नमक डाल के रेडी रखा है, मैं डीप फ्राई करके ऐड करूँगी। और नॉर्मल मसाले हैं, यानी कि हल्दी, धनिया जीरा पाउडर, रेड चिली पाउडर और गरम मसाला पाउडर, जीरा पाउडर, एक कप दूध यहाँ पे लगेगा, और एक अनियन मैंने कट करके बारीक रख दी है, और ये कुछ खड़े मसाले हैं, इलायची है इसमें, काली मिर्च है, तजपत्ता है, तज है, ये सब मैंने रेडी करके रखा हुआ है। थोड़ी सी केसर गरम पानी में डाल के रेडी रखी हुई है, और यहाँ पे मैंने चावल बॉईल करने के लिए गरम पानी भी रेडी रख दिया है नमक डाल के, और उसमें मैंने पोटैटोज़ फ्राई करने के लिए ऑयल भी गरम रख दिया है। ऑयल को मैंने स्लो फ्लेम में रखा है, जब ऑयल गरम होगा तो इसमें मैं पोटैटोज़ डीप फ्राई करूँगी। नमक डाल के पोटैटोज़ रखे हुए हैं, पानी बॉईल होगा तो इसमें मैं बासमती चावल ऐड कर दूंगी। और यहाँ पे मैं चिकन स्टार्ट कर रही हूँ, मैंने एक पॉट ले लिया है, अभी मैं पॉट वाली फ्लेम ऑन नहीं करूँगी, मैं सब मसाले ऐड कर दूंगी। पहले राइस का जो पानी रखा है वो फुल फ्लेम में रखा है, और अभी मैंने ऑयल को हटा दिया है क्योंकि ये बिरयानी के पॉट को डिस्टर्ब कर रहा था। सो अब इसमें हम वन बाय वन सब इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। सबसे पहले मैं इसमें ऐड करूंगी चिकन, जो मैंने पहले से वॉश करके रखी हुई है। मीडियम साइज के पीसेस मैंने लिए हुए हैं चिकन के। वन बाय वन सब मसाले ऐड करेंगे इसमें, हरी मिर्ची, लहसुन का पेस्ट मैं यहाँ पे 2 चम्मच ऐड कर रही हूँ, लहसुन अदरक का पेस्ट वो भी मैं 2 चम्मच, 2 टीस्पून ईच मैंने ऐड किया है। अब मैं इसमें जो खड़े मसाले मैंने रखे हुए थे वो मैं ऐड कर दूंगी, कच्ची प्याज ऐड करूंगी। देखो मैंने एक छोटी सी प्याज ही दी हुई है, इससे हमारी चिकन अच्छे से गल जाएंगी। अब इसमें हम ऐड करेंगे हल्दी, धनिया जीरा पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, जीरा पाउडर एंड गरम मसाला पाउडर। मसाले आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करना, जितना तीखा आपको पसंद है। धनिया जीरा पाउडर मैं 2 चम्मच ऐड करूंगी, यहाँ पे मेरा पानी बॉईल हो गया है आप देख सकते हो। सो इसमें मैं चावल पहले ऐड कर दूंगी जो मैंने भिगो के रखे हुए हैं, चावल को मैंने अच्छे से धो के भिगोया था। इसमें मैं गरम मसाले ऐड नहीं करूंगी क्योंकि बिरयानी में हमने सारे खड़े मसाले ऐड कर दिए हैं, और प्लस इसमें हम गरम मसाला पाउडर भी ऐड करने जा रहे हैं। अगर आपके पास शाहजीरा एंड बड़ी इलायची अवेलेबल हो तो आप वो भी ऐड करना चिकन में, बहुत अच्छा टेस्ट आता है उससे। मेरे पास अवेलेबल नहीं है इसलिए मैं छोटी इलायची एंड नॉर्मल जीरा ऐड की हूँ। सब चावल को बॉईल होने देंगे, चावल बॉईल होने के लिए डाल दिए। इसमें मैंने धनिया जीरा हल्दी डाल दी है, अब मैं रेड चिली पाउडर ऐड कर रही हूँ, मैंने ग्रीन चिलीज भी ऐड की थी। अगर आप चाहो तो इसमें तंदूरी मसाला भी ऐड कर सकते हो। इसमें हम ऐड करेंगे पुदीना,
कोरिएंडर एंड ग्रीन चिली एंड 2 से 3 करी लीव्स। इसमें मैं 1 लेमन स्क्वीज कर दूंगी। अब मैं इसमें ऐड करूंगी दही, जीरा पाउडर एंड गरम मसाला पाउडर। सारी चीज़ें ऐड करने के बाद ही हम फाइनल में इसका फ्लेम स्टार्ट कर देंगे। कुछ झंझट नहीं है, सब मसाले रेडी करना है और फ्लेम को स्टार्ट कर देना है बस। ये रहा हमारा गरम मसाला पाउडर। अब इसमें हम दही ऐड करेंगे एंड थोड़ा सा तेल ऐड कर देंगे। मैं यहाँ पे 3 बड़े चम्मच ऑयल के ऐड कर रही हूँ, आप अपने हिसाब से ऐड कर देना। नेक्स्ट इसमें मैं ऐड करूँगी दही। चार बड़े चम्मच जितना दही मैंने ऐड कर दिया है। अब फ्लेम को मैं स्टार्ट कर लूँगी। मीडियम पे रखना है अभी फ्लेम और इसमें हम ऐड करेंगे बिरिस्ता, छोटी कटोरी जितना। देखो सारी चीजों को हम मिला देंगे। पानी मैंने बिल्कुल भी ऐड नहीं किया है। अगर आपके पास खोया अवेलेबल हो तो आप इस स्टेप पे 2 बड़े चम्मच जितना ग्रेट किया हुआ खोया, और अगर हम ग्राम्स में देखने जाएं तो इसको हम 30 ग्राम्स जितना लेंगे। खोया भी ऐड कर देना। खोया ऐड करने से रिचनेस आ जाएगी, जो हमारी हैदराबादी स्टाइल बिरयानी है उसमें। दम बिरयानी बना रहे हैं आज हम। सब हल्के हाथों से मिक्स कर दिया है। अब इसे हम साइड में रख देंगे और चिकन को गलने छोड़ देंगे। 5 मिनट तक मैंने चिकन को छोड़ दिया था। अब फ्लेम को मैं मीडियम कर रही हूँ और इस स्टेप पे हमें ऐड करना है 1 छोटा ग्लास जितना दूध। जी हाँ, दूध ऐड करना है, पानी नहीं ऐड करना है इसमें। फ्लेम को फुल में ले लेती हूँ अगेन। देख सकते हो ज़रा भी पानी हमने ऐड नहीं किया है इसमें। आधा आधा करके हम दूध ऐड कर देंगे इसमें। अब अगेन पैन को मैं कवर कर दूंगी और फुल फ्लेम में रखेंगे अब हम। यहाँ पे मेरे चावल बॉईल हो गए हैं। चावल को हम निथार लेंगे, 70% कुक करना है हमें चावल को। अच्छे हो गए चावल, तो इसे पानी में से हम निथार लेंगे। फ्लेम को ऑफ कर देंगे और पोटैटोज़ यहाँ पे मैं फ्राई कर लेती हूँ। तो देखो हमारी ग्रेवी बिल्कुल जैसे हमें चाहिए थी वैसी हो गई है। हमने इसमें पानी नहीं ऐड किया था, दूध ही ऐड किया था 1 कप। अब इसमें हम राइस डाल देंगे जो हमने बॉईल करके रखे हुए थे, और पोटैटोज़ भी मैंने फ्राई करके रख दिए हैं, वो भी इसी में मैं ऐड कर दूंगी अंदर ही। टिपिकल हैदराबादी बिरयानी मैंने आपसे शेयर की है। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स एंड कमेंट्स करना। राइस ऐड कर देंगे इसमें। फ्लेम को मैं स्लो में ले लेती हूँ। आपको ये हैदराबादी दम बिरयानी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। अगर आपको चाहिए तो जो हम लेयर्स करते हैं वैसे भी आप कर सकते हो, यानी कि थोड़ी सी ग्रेवी नीचे रख के राइस, देन अगेन ग्रेवी, देन अगेन राइस, वैसे भी आप कर सकते हो। लेकिन मैं सब यहाँ पे मिक्स करूँगी, लेयर्स नहीं रखूँगी। सारे राइस मैं ऐड कर देती हूँ पहले।
थोड़े राइस कवर करके मैं यहाँ पे फ्राइड पोटैटोज ऐड कर रही हूँ। आप चाहो तो पोटैटोज स्किप भी कर सकते हो, मेरे बच्चों को पोटैटोज पसंद है सो मैं पोटैटोज ऐड कर रही हूँ। आप चाहो तो इसमें फ्रेंच फ्राइज भी ऐड कर सकते हो, डिपेंड ऑन योर चॉइस। यहाँ पे अगर आपको पसंद है तो आप ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हो, मैं अवॉइड करती हूँ। बहुत डिलीशियस बनेगी बिरयानी, आप ज़रूर ट्राई करना और मुझे कमेंट भी करना आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती है या नहीं, और मेरी बताने की आइडिया जो है, तरकीब है, वो भी आपको पसंद आती है या नहीं, समझ में आती है या नहीं, वो भी आप बताना। सारे पोटैटोज मैंने ऐड कर दिए, अब अगेन इसे मैं चावल से कवर कर दूँगी। राइस से कवर करके अब ऊपर हमें ऐड करना है ये जो हमने ज़ाफ़रान यानी कि केसर गरम पानी में भिगो के रखी थी वो, और घी। चाहो तो आप दूध में भी इसे भिगो के रख सकते हो, अगर आपको पसंद है तो आप केवड़ा एसेंस जो आता है वो भी ऐड कर सकते हो। बिरयानी हम हज़ारों टाइप की करते हैं सो अपने अपने चॉइस के ऊपर डिपेंड है आप कैसे करते हो। मैंने आपसे टिपिकल बावर्ची स्टाइल जो हैदराबादी दम बिरयानी होती है उसकी रेसिपी शेयर की है यहाँ पे। आई होप आप लोग को पसंद आएगी ये मेरी स्टाइल की बिरयानी। अब ऊपर हमें प्योर घी डालना है और दम पे रखना है बिरयानी को। 2 चम्मच जितना यहाँ पे मैं घी ऐड कर रही हूँ। ज़रूरी नहीं है आप घी ऐड करो, बट रेस्टोरेंट स्टाइल बना रही हूँ मैं तो मैं यहाँ पे घी ऐड करती हूँ। इस स्टेप पे अगर आप चाहो तो जो हमारा रोटी का आटा रहता है, नॉर्मल जो रोटी का आटा हम गूंथते हैं, इसे इसी किनारी पे डाल के पॉट को कवर करके रखना ऑप्शनली है, मैं यहाँ पे एज इट इज़ ही रख रही हूँ। अब इसे दम में रहने दूँगी 10 से 15 मिनट के लिए, फिर मैं इसे मिक्स करके आपको बताऊँगी। मेरी जो सबसे लो फ्लेम वाला गैस है उसमें मैंने ट्रांसफ़र कर दिया है, लो बर्नर पे बिल्कुल भी लो फ्लेम कर दी है मैंने, और उसमें 10 से 15 मिनट के लिए हम दम में रखेंगे। वो टाइम आपकी क्वांटिटी, आपके वेसल की साइज़ उसके ऊपर टोटली डिपेंड करता है। देखो 15-20 मिनट हो गई है, अब इसे हम देख लेंगे, इसे हम मिक्स कर लेंगे। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत दम बिरयानी रेडी हो गई है हमारी, दाना भी खिला हुआ है। सो अगर आपको ये मेरी स्टाइल की दम बिरयानी रेसिपी बनानी है तो इस वीडियो को पूरा देखना, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, बिल्कुल बावर्ची स्टाइल हैदराबादी दम बिरयानी है। सो इस वीडियो को पूरा देखना और ये बिरयानी को ट्राई करना और मुझे कॉमेंट करके भी बताना। देख सकते हो ज़रा भी पानी भी नहीं है और मसाला और राइस अच्छे से मिक्स हो रहे हैं हमारे, पूरा आपको मिक्स करके बताती हूँ। हल्के हाथों से हमें इसे मिक्स करना है, हल्के हल्के हाथों से मिक्स कर दिया है। देखो अब इसमें ऊपर मैं कोरिएंडर पुदीना दोनों ऐड कर दूँगी। ये देखो कोरिएंडर पुदीना ऐड कर दिया है और इसे अभी हम सर्व कर देंगे। सो अगर आपको मेरी ये बावर्ची स्टाइल हैदराबादी दम बिरयानी की रेसिपी पसंद आती है तो इस डिश को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव से शेयर कीजिए एंड शोनास किचन को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट रेसिपी। अल्लाह हाफिज़।